आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। जो मेरा क्वेश्चन है कह रहा है, अ मैन इज ट्रैवलिंग ऑन द रोड अलोंग ए बी। तो यहाँ पे एक मैन, अपन को इस क्वेश्चन में कह रहा है, इस फिगर में एक मैन है जो ए बी रोड में चल रहा है ना, इतना बोला है। भाई कह रहा है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रोड फॉर विच द इमेज विल बी विजिबल टू ओ। तो अब हमको फाइंड करना है इस रोड की लेंथ जिसकी जो इस ओ को इमेज के रूप में इस दिखेगी। ठीक है, तो मतलब इसका क्या है, अपना जो ओ है इसका मुंह इधर है, मतलब इसकी आंखें जो है सिर्फ मिरर को देख रही हैं और मिरर से ये इस जो है ओ अपनी रोड को देख रहा है ना। तो इनडायरेक्टली अपना ओ क्या कर रहा है, अपना ओ जो है ये इमेज को देख रहा है, इस पाथ की इमेज को देख रहा है ना। तो अपन इस पाथ की इमेज बना देते हैं इस मिरर के अबाउट है ना। तो इस पाथ की इमेज बनाएंगे तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है ये पाथ, 2D की डिस्टेंस पे है लाइन ए बी। ठीक है, तो यहाँ से 2D डिस्टेंस पीछे अपना पाथ बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पाथ बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी लाइन बन गई है ना। तो और अब क्या करना है कि अब ये ओ है इस मिरर से इस इमेज को देख रहा है। अब अपना मैन चल रहा है इसमें, यहाँ से ए बी में ये मान लो ए डैश बी डैश है, तो अपना मैन क्या चल रहा है, ए बी में चल रहा है, लेकिन उसकी इमेज भी चल रही होगी उसी के साथ में, है ना। तो अपन से पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ द रोड फॉर विच इमेज विल बी विजिबल टू ओ। तो अपन को फाइंड क्या करना है कि इस रोड की लेंथ जो अपने ओ को विजिबल होगी बस। ठीक है, तो अपना ओ क्या कर सकता है, कहाँ तक देख सकता है, अपना ओ तो देख सकता है सिर्फ अपने मिरर के एंड्स तक, है ना। अब मिरर के एंड के थोड़ी से आगे देखेगा तो उसको ये रोड नहीं दिखेगी, फिर उसके यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ होगा वो अलग चीज़ हो जाएगी, ये उसके पीछे वाली रोड की इमेज नहीं दिखेगी। जब तक ओ मिरर में देख रहा है तब तक ओ को इसके पीछे जो ये वो है पाथ, इसकी इमेज दिखेगी बस। ठीक है, तो अपने ओ ने क्या किया कि एंड्स पे देखा है ना, आखिरी पॉइंट पे देखा, एंड पे देखा, तो इतना ये अपना ओ देख सकता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये ही आ जाएगी अपने पाथ की लेंथ, जितनी ओ देख सकता है मिरर के थ्रू। ठीक है, तो अपन को ये लेंथ फाइंड करनी है, ये लेंथ। ठीक है, तो ये मान लेते कुछ एल डैश है, तो ये फाइंड करनी है। तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये अपनी अपना मिरर और ये रोड पैरेलल थी है ना, तो अपना मिरर और ये रोड की इमेज भी पैरेलल होगी। तो यहाँ से क्या करते हैं, अपन सिमिलर ट्राइंगल से लगा सकते हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करके अपन ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, तो यहाँ पे ट्राइंगल देखें, ओ डी ई वाला ट्राइंगल, ओ डी ई जो है ये किसके सिमिलर है, ये सिमिलर है ट्राइंगल ओ ए बी के, ट्राइंगल ओ ए बी के, क्योंकि डी ई जो है वो ए बी के पैरेलल है ना, और ओ तो पॉइंट कॉमन ही है, तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो ओ पॉइंट कॉमन ऐसे देख लेते, या फिर ये लेंथ बराबर है, मतलब ये लेंथ जो है पैरेलल है और यहाँ से ये एक एंगल जो है ये कॉमन है, मतलब इन दोनों का एंगल ये वाला सेम है और इसका ये एंगल जो कुछ है मतलब थीटा वन, तो ये भी थीटा वन आ जाएगा या थीटा टू मान लो, तो ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो ये भी थीटा टू और ये भी ये थीटा वन, तो यहाँ से तीनों एंगल बराबर हैं इस ट्राइंगल के लिए, ओ डी ई के लिए। यहाँ पे ओ वाला एंगल थीटा वन थीटा टू और ओ ए बी के लिए, यहाँ पे भी सारे एंगल कैसे हैं अपने, ये ओ वाला एंगल थीटा वन और थीटा टू, तो यहाँ पे तीनों एंगल मैच हो रहे हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, तो सिमिलर हो गए तो यहाँ पे क्या होगा कि जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होगा। तो यहाँ से जो है साइड्स का रेशियो जो है ये इक्वल होगा, और साथ ही साथ साइड्स का रेशियो जो है किसके इक्वल होगा, ये साइड्स के रेशियो के बराबर ही होगा, और इसके हाइट या एल्टीट्यूड जो भी है एल्टीट्यूड इसके रेशियो के बराबर भी होगा है ना। तो इस वाले ट्राइंगल में एल्टीट्यूड कितना है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये कितनी है डी, और ओ ए बी डैश वाले ट्राइंगल में हाइट कितनी है, तो ओ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो हाइट कितनी है,
ये 2D और यहाँ से D, तो टोटल हाइट कितनी है 3D। तो अपन को निकालना क्या है एल डैश, तो यहाँ से लग जाएगी प्रॉपर्टी की एल बाय एल डैश जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये अपने छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट कितनी है डी, उसका रेशियो बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट के साथ, तो 3D है ना। तो यहाँ से अपना एल डैश जो है, यहाँ से डी कैंसिल, तो यहाँ से अपना एल डैश उधर गया, तो एल डैश किसके बराबर आ गया 3L के। तो जो अपन को पाथ की लेंथ अपना जो ऑब्जर्वर जो ओ है देखेगा वो एल डैश के बराबर जो भी लेंथ देखेगा वो किसके बराबर आ रही है अपने 3L के बराबर, तो 3L मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी कह रहा है ये बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।